वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। और पिछली वीडियो में आप सभी को याद होगा हम लोग एंड सिटी गए थे, वहां से एंड शिप लेके आए थे उड़ाते हुए, बट हमारा मिशन फेल हो गया था। हम लोग उसे ओवरवर्ल्ड में ले जाने वाले थे बट ओवरवर्ल्ड में वो गई नहीं। बट कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे कोई उड़ने वाली चीज़ बनानी है, क्योंकि देखो हमारे पास पानी में चलने के लिए शिप भी है और अपने इतनी सारी राइड्स भी है, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उड़ती हो हमारे वर्ल्ड में। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे हॉट एयर बलून बनाएं। और अगर हॉट एयर बलून ने बढ़िया तरीके से काम किया तो मेरे पास एक और मस्त सा प्लान है, और वो वाला आइडिया मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा अगर हॉट एयर बलून ने बढ़िया तरीके से काम करा तो। तो चलो फटाफट से यहाँ पे बनाना चालू करते हैं अपने हॉट एयर बलून को। ओके दोस्तों, अपने हॉट एयर बलून का काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है भाई देखने में। तो 1, 2 और 3, तो ये रहा भाई हमारा हॉट एयर बलून। और देखो भाई लुक देखो इसका, लग रहा है ना एकदम बेहतरीन। तो चलो अब इसे ट्राई करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो इसे चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर अपना वही व्हील लगाना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद देखते हैं कि असेंबल होता है या नहीं होता। और बाकी आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हो, इंटीरियर वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ओके, हमने यहाँ पे सिप हेल्म लगा दिया है, अब इसे असेंबल करके देखते हैं क्या ये असेंबल होता है या नहीं होगा। ओके, मैंने क्लिक कर दिया असेंबल पे। ओके, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ओके, लाइट अप सा हुआ था एकदम, तो मेरे हिसाब से असेंबल हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख लूँ एक बार, सब कुछ ठीक है ना। ओके, बिल्कुल सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अब है मोमेंट ऑफ द ट्रूथ वाली बात, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, एक बार ट्राई करते हैं। और भाई अपना हॉट एयर बलून देखो कितने प्यार से ऊपर जा रहा है। ओके, ये वर्क तो कर रहा है, पर क्या ये आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे जा रहा है। तो ओके दोस्तों, अपना हॉट एयर बलून बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ एकदम फंक्शनिंग एकदम बेस्ट है। और यहाँ से यार हमारा वर्ल्ड देखो कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है भाई, हमारे वर्ल्ड को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा ये हॉट एयर बलून। और मैं सोच रहा हूँ 2-3 हॉट एयर बलून और बनाते हैं और अपने वर्ल्ड में ऊपर इन्हें पार्क कर देंगे, जिससे कि हमारा वर्ल्ड और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। बट उससे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर इंजन लगा के देखते हैं क्या इसकी स्पीड तेज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इंजन मैं सोच रहा हूँ इसके बराबर में यहीं पर लगा देते हैं, और कोई जगह तो है नहीं। तो ओके, इंजन आएगा अपना यहाँ पर। अब इसमें लावा डालना पड़ेगा हमें पावर के लिए। ओके, तो अपना इंजन यहाँ पर चालू हो चुका है, और अब देखते हैं क्या इसकी स्पीड बढ़ती है या नहीं बढ़ती। ओके, दबाते हैं फटाफट यहाँ पे बबलू, और भाई इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी है पहले से, देख रहे हो कितना तेज़ जा रहा है हॉट एयर बलून। बट मेरा ग्राफिक कार्ड थोड़ा लो एंड है ना, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ रेंडर नहीं हो रही जल्दी से, बट यार मज़े आ रहे हैं हॉट एयर बलून को चलाने में, कुछ भी कहो। थोड़ा ग्राफिक कार्ड मुझे खरीदना पड़ेगा वरना लैग होता रहेगा। मेरे वर्ल्ड में जितनी चीज़ें बना रहा हूँ ना, उतना ज़्यादा उस पर लोड पड़ता जा रहा है, और चीज़ें भी तो देख रहे हो कितनी बेहतरीन बेहतरीन बना रहा हूँ मैं अपनी तारीफ। तो अब मेरा जो सेकेंड प्लान था वो था विलेजर का घर उड़ाने का। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, तो मैं क्या करने वाला हूँ, किसी विलेजर का हम घर लेंगे और उसमें काफ़ी सारे बैलून्स लगा देंगे, और उसके बाद उसके घर को उड़ा के कहीं ले जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया आप लोगों को। बट उससे पहले मेरे को एक विलेज ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम घर उठा के लाने वाले हैं। देख रहे हो कॉन्सेप्ट, देख रहे हो मेरा, घर उठा के लाने वाले हैं। तो अपने विलेजर्स का घर तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि वो विलेजर्स यार बढ़िया है, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। किसी और विलेज में जाएंगे और उनका घर टाप के लाएंगे वहाँ से। तो चलो फटाफट यहाँ पे कहीं विलेज ढूंढते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। 2 hours later ओके, काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को आखिरकार एक विलेज मिल चुकी है, और इस विलेज में जो सबसे अच्छा घर होगा ना, वो वाला घर हम चुरा के नहीं उड़ा के ले जाएंगे। और कौन सा घर उड़ा के ले जाएं भाई, ये तो घटिया लग रहा है मेरे को, ये भी बेकार से लग रहा है भाई, ये भी नहीं उठाएंगे, ये तो इतना भारी होगा इसे तो उठाना ही मुश्किल है, ये तो टेम्परेली से घर है, ये भी नहीं, ये लग रहा है बढ़िया। हाँ देखो इसमें फ्लावर भी है और बाहर मसाल वगैरह भी लग रही हैं, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी और सारे तो नॉर्मल ही हैं। आयरन गोलम को उड़ा दूँ क्या? और यहाँ पे देखो यार कितने सारे विलेजर्स हैं, तो ये सारे घर नॉर्मल है, मेरे को वही वाला घर बढ़िया लग रहा है।
तो हम ये वाला घर यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला घर उड़ा के ले जाएंगे यहाँ से। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि इसके नीचे की ज़मीन गायब करनी पड़ेगी पूरी, वरना ज़मीन भी साथ में उड़ जाएगी हमारे। तो ओके, यहाँ की पहले जो है पूरी ज़मीन गायब कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम बैलून्स लगाएंगे और फिर इसे उड़ाने की कोशिश करेंगे। क्या ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा वो बाद में पता लगेगी हमें। तो चलो पहले काम कंप्लीट करते हैं यहाँ का। और ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैलून भी कंप्लीट बना दिया है इस घर के ऊपर। कोई हंसेगा नहीं भाई इस बैलून के ऊपर। मैं एक परफेक्ट बैलून की शेप बनाना चाह रहा था, बट यार मैंने क्या बना दिया है ये। बट कोई हंसेगा नहीं, मैंने केवल टेम्परेरी बनाया, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता भाई ये घर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अगर नहीं उड़ा तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने टेम्परेरी बना दिया। क्या ही बहाने बनाता हूँ मैं। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पर सिप हेल्म लगाना है और ट्राई करना है भाई कि असेंबल होता है या नहीं होता। बाकी यहाँ पे ग्लास लेते हैं, और सामने देख रहे हो एक ही विंडो है, तो यहाँ पे हम विंडो थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, जिससे कि हमें बाहर का व्यू अच्छे से मिले। अब हम आराम से कंट्रोल कर पाएंगे, वरना कहीं ठोक जाते हैं उड़ते उड़ते, क्या फ़ायदा होता है ना। तो अब हम इसे असेंबल करके देखते हैं कि ये असेंबल होता है या नहीं होता। भाई मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, असेंबल पे मैंने क्लिक कर दिया है। ओके, कुछ तो हुआ यहाँ पे। ओके ओके, मैं स्पेस दबा रहा हूँ और हमारा घर उड़ा, थोड़ा सा उड़ा। ओके, हमारा घर उड़ चुका है भाई, हम घर लेके जा चुके हैं। विलेजर्स का घर हमने चुरा लिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उड़ा के ले जा रहे हैं भाई। देख रहे हो मतलब लोगों की क्या क्या चीज़ें चोरी होती हैं, ज्वेलरी चोरी हो जाती है, पैसे चोरी हो जाते हैं, भाई हमने घर ही चोरी कर लिया। लीगेंड आदमी हम लोग। और बैलून पीछे से मत देखो भाई, पीछे से और बेकार हाल है। मैं तो यार बेचारे विलेजर के बारे में सोच रहा हूँ, जिसका ये घर होगा वो क्या सोचेगा देख के, यार कल तक तो मेरा घर यहीं पर था, अचानक कहाँ गायब हो गया। कैसे कैसे चोर आ चुके हैं मार्केट में, घर ही ले गए। ओके यार, पर बढ़िया लग रहा है घर उड़ते हुए। एक मूवी की मेरे को याद आ गई, कौन सी मूवी थी वो, हाँ आप ही नाम था उसका, आप ही नहीं मतलब अप नाम था उस मूवी का। काफ़ी अच्छी मूवी थी, बिल्कुल हमने वही वाला सीन कर दिया है और यहाँ पे। तो चलो अब इसे अपने घर पे लेके चलते हैं, इस घर को अपने घर पे लेके चलते हैं। वाह, वैसे ही वहाँ पे विलेजर्स ज़्यादा हैं और घर कम है, तो जोर तो भी है उन्हें घर की, एक एक करके सारे घर ले जाएंगे इनके वहाँ पे। और यार अब मैंने अपना घर पहाड़ों में ठोक दिया भाई, बहुत ही गंदी तरीके से घर को उड़ा रहा हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल घर उड़ाना नहीं आता, एक लाइसेंस भी तो नहीं है भाई मेरे पास घर उड़ाने के लिए। यार मैं कभी कभी कैसी कैसी बातें कर देता हूँ, घर उड़ाने के लिए लाइसेंस। देखो हंसने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर वाले घर उड़ने वाले हैं, मैं आगे तक की सोच लेता हूँ ठीक है। और अब मैंने बहुत बार घर घर बोल लिया है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे घर पहुँच कर। और ये लोग आए, हम लोग घर को घर पे लेके आ चुके हैं, वापस घर घर हो रहा है। ओके, अब हम इसे कहाँ पे पार्क करें, तो यहाँ पर हमारा हॉट एयर बलून है, अभी फिलहाल हम यहीं पर पार्क कर देते हैं इसको, दोनों साथ में रहेंगे बढ़िया लगेगा। और ये पीछे से मत देखो भाई इस बलून को, आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, खुला हुआ है ऐसी, और बीच बीच में जगह गायब हो जा रही है क्योंकि रेंडर हो रही है। भाई मेरा ग्राफिक कार्ड स्लो है, आप लोगों को बताया था मैंने, हाँ अब पूरी अच्छी तरीके से रेंडर हो चुकी है। अब यहाँ पर इसे पार्क करते हैं आराम से। ओके ओके, और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। व्हाट भाई, कुछ हुआ अभी, अभी कुछ हुआ है इस यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ मेरे को फील आ रही है कुछ हुआ है। और ये मसाल देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इसकी ये फ्लेम आगे क्यों जा रही है भाई, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्लिच हुआ है, मैं डब्लू दबा रहा हूँ काम भी नहीं कर रहा है भाई, मेरे को अच्छी फील नहीं आ रही है, कुछ यहाँ पे ख़तरनाक सा हो चुका है। ये फ्लेम आगे क्यों जा रही है, मेरे को सबसे बड़ी बात इससे परेशानी है, ये फ्लेम आगे क्यों जा रही है, क्या ये हमारे हॉट एयर बलून को जलाना चाह रही है, क्या इस घर को इस हॉट एयर बलून से चिढ़ हो रही है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे आखिर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये एक्स भी यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने तो भाई किसी की जान भी नहीं ली है अब तक, कुछ तो सोल कैंप फायर, ये तो मैंने अपने हॉट एयर बलून में लगाई थी, ये यहाँ पे कैसे आई, क्या इस घर ने हॉट एयर बलून को तोड़ दिया है, बट हॉट एयर बलून तो अपना सेफ है यार, कुछ नहीं हुआ। और ये सारे ब्लॉक भाई, ये सारे ब्लॉक वही हैं जो मैंने अपने हॉट एयर बलून पे लगाए थे, तो यहाँ पे मेरे को लगता है भाई कुछ ग्लिच हो चुका है, इस घर ने जो है हॉट एयर बलून में टक्कर मार दी है, और वो टक्कर हमें दिखाई नहीं दी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देख रहे हो ये फ्लेम भी आगे जा रही है, बट हमारा हॉट एयर बलून बिल्कुल सेफ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे इतने सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं हॉट एयर बलून के, भाई क्या क्या सीन है ये, क्या हो रहा है,
मेरा दिमाग घूम रहा है, रुको एक बार और घर को चला के देखते हैं। भाई मैं डब्ल्यू और स्पेस दबा रहा हूँ पर ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भाई कुछ ग्लिच हो चुका है, रुको मैं एक बार इसे रीस्टार्ट करता हूँ फिर देखते हैं। A few moments later. और दोस्तों जो मैं सोच रहा था वही चीज़ हुई है, यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है और इन दोनों की टक्कर हो चुकी है जो हमें नहीं दिखी है और इन्हें भी नहीं पता है, और ये दोनों चीज़ अब काम नहीं कर रही है, दोनों चीज़ ही बेकार हो चुकी हैं। भाई मैं डब्लू वगैरह सब दबा रहा हूँ दोनों में बैठ के, बट दोनों काम नहीं कर रही हैं, तो यार मेरा दिमाग दोबारा ख़राब हो चुका है। इस वीडियो में था इतना ही, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, और हो सकता है उसमें कुछ ऐसा ग्लिच ना हो, तो टाटा बाय बाय।